सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग अनुभववादी दार्शनिक जॉर्ज बर्गले के अनुसार ईश्वर का व ईश्वर के सिद्धांत में क्या कहते हैं जॉर्ज बर्गले, इसको जानते हैं। इसके पहले के जो उनके सिद्धांत थे, दार्शनिक सिद्धांत थे, उसको मैं इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, उसको भी आप लोग देखें और समझें। और आज के वीडियो में ईश्वर इस पर उनका क्या विचार है, उनका दार्शनिक सिद्धांत क्या है, इसको जानते हैं। चलिए ध्यान से इसको सुनते हैं। बर्कले ने अनिश्वरवाद के स्थान पर ईश्वरवाद का सहारा लिया है। उसके दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, दृष्टि सृष्टिवाद और अहम मात्रवाद से बचने के लिए ईश्वर की स्थापना करना है। वह अनिश्वरवादी प्रवृत्ति का खंडन करने तथा ईश्वर के प्रति श्रद्धा को दृढ़ करना चाहता था। वह सृष्टि को आध्यात्मिक सिद्ध करने का प्रयास करता है। बर्कले कहता है कि समस्त सृष्टि एक विवेकपूर्ण और परम शुभ ईश्वर की रचना है। ईश्वर के बगैर प्रकृति की कोई रचना, व्यवस्था, घटनाएं आदि संभव नहीं है। बर्कले के अनुसार प्राकृतिक वस्तुएं प्रत्ययों के संघात हैं। इन वस्तुओं के रचयिता को असीम बुद्धि वाला होना चाहिए। सृष्टि में व्याप्त संतुलन व्यवस्था को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि इसका रचनाकार कोई परम शक्तिमान है। इस प्रकार से ये सब परमात्मा से संबंधित हैं। बर्कले प्रयोजन मूलक युक्ति का सहारा लेता है। वह प्रत्ययों के कारण के रूप में लाग की तरह अचेतन जड़ तत्वों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। हमारे प्रत्यय निष्क्रिय और अचेतन होने के कारण इन वस्तुओं प्रत्ययों के कारण नहीं हो सकते। हमारी आत्मा भी वस्तु प्रत्ययों की रचना नहीं कर सकती। अन्य आत्माएं भी उसका कारण नहीं हो सकती है। कोई असीमित तत्व ही कारण हो सकता है, उसे ईश्वर कहते हैं। यह युक्ति प्रत्ययों के कारण सृष्टा के रूप में ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन करती है। अतः इसे सृष्टि वैज्ञानिक युक्ति कहा जाता है। बर्कले मानता है कि सृष्टि किसी दैवी शक्ति से ही संचालित है। दैवी शक्ति के रूप में वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। वह कहता है कि जिस प्रकार प्रत्ययों के विभिन्न संघात एक ज्ञात को भी संकेत करते हैं, उसी प्रकार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की दिव्य शक्ति की ओर संकेत करती है।
बर्कले आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी हैं अथवा वस्तुनिष्ठ, इस पर भी विचार होता है। क्या सच में जो बर्कले थे ये आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी हैं या वस्तुनिष्ठ, थोड़ा सा देखते हैं कुछ दर्शनों के साथ। कुछ विचारक जैसे बेबर तथा फ्रेजर आदि बर्कले को आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी मानते हैं, तो कुछ अन्य विचारक जैसे फाल्कनबर्ग आदि इसे वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी मानते हैं। बर्कले के प्रत्ययवाद को आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ कहना आत्म के अर्थ पर निर्भर है। यदि आत्म से आशय सीमित आत्म से है तो यह प्रत्यय उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्यय मन में प्राप्त हो रहे हैं और बर्कले के अनुसार इन्हें ईश्वर प्रदान कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में बर्कले के प्रत्ययवाद को वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी मानना होगा। समीक्षा, हम बर्कले को वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी नहीं मान सकते, क्योंकि वह यह नहीं कहता कि प्रत्यक्ष जड़ वस्तुओं से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए विचारकों द्वारा ईश्वर को एक वस्तु के रूप में अनुमान करना ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तुएं जड़ हैं जबकि ईश्वर चेतन। कुछ अन्य विचारकों के अनुसार आत्म से आशय सीमित आत्म तथा असीमित आत्म दोनों से है, इसलिए उसे आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी माना जा सकता है। चूंकि असीमित आत्म ने स्वयं अपने भीतर इन समस्त प्रत्ययों का निर्माण किया है, अतः बर्कले का प्रत्ययवाद आत्मनिष्ठ है। बर्कले यह भी नहीं कहता कि आत्म अपने भीतर स्वयं प्रत्यक्ष उत्पन्न करती है, इसलिए उसे आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी नहीं माना जा सकता। साथ ही ईश्वर आस्था का विषय है, इसलिए इसे आधार बनाकर किसी चीज को सिद्ध असिद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसा करना ठीक नहीं है। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बर्कले न ही आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी है और न ही वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी है। तो इस प्रकार से जो बर्कले का जो सिद्धांत रहा, इससे सिद्ध हो जाता है जो बेबर, फ्रेजर और अन्य दार्शनिक जो फाल्कन और बर्ग हैं, इन लोगों ने जब अपनी बातों को रखा और समीक्षा किया गया तो ये निकल के आया कि जो बर्कले है यह न ही आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी है और न ही वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी है, क्योंकि बर्कले का ही देखिए जो सिद्धांत है, अहम मात्रतावाद बर्कले का ही सिद्धांत है, दृष्टि सृष्टिवाद अर्थात होना प्रत्यक्ष होना, दृश्यते इति वर्तते, ये जो सिद्धांत था बर्कले ने ही अपना दिया था। अभौतिकतावाद का सिद्धांत, ये सब बर्कले अपने दार्शनिक सिद्धांत में बड़े ही मार्मिक ढंग से व्याख्या करते हैं। बर्कले का जो प्रत्ययवाद है यह भी अद्भुत है। तो बर्कले का सिद्ध हो जाता है न ही आत्मनिष्ठ है न ही वस्तुनिष्ठ है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।